नमस्कार, नास्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। क्रीप हाइमर क्रेडिट स्कोर क्या है, मैं सिबिल स्कोर को लेके बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। उस टाइम पे ये मैं बताए थे, इस साल में ट्रांसयूनियन सिबिल को छोड़ के और जो तीन क्रेडिट ब्यूरो है उसको लेके मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे। इस साल में ऑलरेडी एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो में मैं वीडियो सीरीज बनाया हूँ। अभी मैं क्रीप हाइमर को लेके वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे, उस सीरीज में ये पहला वीडियो है। क्रीप हाइमर क्रेडिट स्कोर क्या है? क्रीप हाइमर जो क्रेडिट ब्यूरो है वो कस्टमर के लिए जो स्कोर बनाता है, क्रेडिट स्कोर बनाता है, वही है क्रीप हाइमर क्रेडिट स्कोर। और तीन क्रेडिट ब्यूरो में जैसे 300 से लेके 900 स्कोर होता है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, क्रीप हाइमर में भी ऐसा ही 300 से लेके 900 तक स्कोर होता है। जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा स्कोर माना जाता है, और जितना कम स्कोर होता है उतना खराब स्कोर माना जाता है। 750 प्लस क्रीप हाइमर स्कोर होने से कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन उस कस्टमर को लोन देना चाहते हैं। हाइमर 2007 में एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। 2010 में क्रेडिट ब्यूरो ऑपरेट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला है। 2011 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है क्रेडिट ब्यूरो रन करने के लिए। 2014 में क्रीप हाइमर का मेजोरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिया, उसके बाद रिनेम होके क्रीप हाइमर क्रेडिट ब्यूरो नाम हुआ है। सिबिल के साथ क्रीप हाइमर का क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर यह है कि सिबिल स्कोर खरीदने में जितना पैसा लगता है उससे कम पैसा में आपको क्रीप हाइमर का रिपोर्ट मिल जाएगा। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से हर साल में एक फ्री क्रीप हाइमर रिपोर्ट आपको मिलेगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। क्रीप हाइमर में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, क्रीप हाइमर में माइक्रो फाइनेंस का डेटा मिलता है। जितना सारा ग्रुप लोन कंपनी है उसका डेटा यहाँ पे मिलते हैं, जो और कोई क्रेडिट ब्यूरो में अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए जितना सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो क्रीप हाइमर का रिपोर्ट चेक करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसलिए क्रीप हाइमर का रिपोर्ट चेक करते हैं। ज्यादा लोन के लिए सिबिल रिपोर्ट चेक किया जाता है, उसके कंपैरिजन में क्रीप हाइमर का रिपोर्ट बहुत कम चेक किया जाता है। मगर पीएसयू बैंक में जब कमर्शियल लोन देता है उस टाइम पे क्रीप हाइमर का रिपोर्ट चेक करते हैं। और अभी ऐसा सिस्टम भी हुआ है, सिबिल के साथ दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट बैंक चेक कर रहा है लोन देने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, वहां पे सिबिल रिपोर्ट चेक कर लिया, वहां पे आपका रिपोर्ट सही है, स्कोर भी सही है, बैंक लोन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, और बाद में जाके क्रीप हाइमर रिपोर्ट चेक किया है, वहां पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन रहेगा या तो स्कोर खराब होगा, तो उस केस में आपका लोन रुक भी सकता है। यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्रीप हाइमर के लिए। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आता है, मोर देन 90% कस्टमर सिविल स्कोर सही करने के लिए आता है, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए आता है। बहुत कम कस्टमर क्रीप हाइमर का रिपोर्ट करेक्शन के लिए आता है। जो कस्टमर क्रीप हाइमर का रिपोर्ट करेक्शन करते हैं वो नॉर्मली 4 क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बहुत खराब देखा हूँ, क्रीप हाइमर में रिपोर्ट अपडेट नहीं रहता है ज्यादातर टाइम में जितना सिविल में रहता है। मेरे को ये पता नहीं है, आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को 4 क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट भेजना चाहिए एक ही साथ में, मगर ज्यादातर केसेस में क्रीप हाइमर का रिपोर्ट में अपडेट नहीं होता है, 2-3 महीने रिपोर्ट पुराना हो जाता है तब भी अपडेट नहीं होता है। इसके वजह से स्कोर में भी बहुत डिफरेंस होता है, कस्टमर को भी दिक्कत होता है लोन मिलने में। क्रीप में स्कोर भी बहुत कम दिखाता है और क्रेडिट ब्यूरो के कंपैरिजन में। हम लोग एक ही कस्टमर के लिए जब क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, जिनका सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है, एक्सपीरियन में भी उनका क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा होता है, इक्विफैक्स में भी उनका क्रेडिट स्कोर 700 का आसपास होता है, वही कस्टमर का क्रीप हाइमर में स्कोर होता है 450, 550, कभी कभी 300 स्कोर हो जाता है। ये स्कोर के बारे में मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर भी और जो क्रेडिट ब्यूरो है जो एल्गोरिदम अलग अलग यूज करते हैं उसके बेसिस पे स्कोर करते हैं, यहाँ पे भी एल्गोरिदम के बेसिस पे स्कोरिंग होता है। क्रीप में और एक चीज खराब देखा हूँ, शायद ये प्रॉब्लम आगे चल के सही हो जाएगा क्योंकि क्रीप भी बहुत बढ़िया और अच्छा कंपनी है, वो है एक ही कस्टमर का जब हम लोग 4 क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट रेक्टिफाई करते हैं, सिविल में एक्सपीरियन में जो रिपोर्ट 1.5-2 महीने के अंदर में सही हो जाता है, वही कस्टमर के लिए 4-5 महीने हो जाता है रिपोर्ट करेक्शन होने में। और यहाँ पे रिस्पांस भी बहुत खराब होता है, कभी कभी देखा है कि वो लोग सही तरह से ईमेल पढ़ते नहीं है, बिना पढ़ के रिप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम इस वीडियो के थ्रू से क्रीप हाइमर को ये मैसेज देना चाहेंगे, अब लोग बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बढ़िया डेटाबेस मेंटेन करते हैं, इस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिए।
ताकि कस्टमर को हेल्प हो। आपका क्रीप हाइमर रिपोर्ट में कोई गलत एंट्री है या तो स्कोर खराब है, उस केस में आप कैसे रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, उसके लेके मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आप कंप्लेन करोगे क्रीप हाइमर में, ये सारा वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो। आपका सिविल रिपोर्ट में या तो एक्सपीरियन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप कैसे सही करोगे, इसके लिए मेरा ऑलरेडी कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप आज ही वो सारा वीडियो चेक कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी आप सही कर पाओ। और क्रीप के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।